हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिजू अप टीवी में। आज हम बात करेंगे फ्रूट जूस प्रोडक्शन बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। फ्रेंड्स, यह बिजनेस इंडिया में प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। उद्यमी चाहे तो किसी खास फ्रूट जूस को अपने बिजनेस का हिस्सा बना सकता है और चाहे तो कोई ऐसा जूस प्रोसेसिंग प्लान लगा सकता है जिससे वह भिन्न भिन्न प्रकार के फलों के भिन्न भिन्न प्रकार का फ्रूट जूस उत्पादन करने के सक्षम हो सके। क्या है फ्रूट जूस बिजनेस प्रोडक्शन बिजनेस? हर रोज यानी कि नित्य प्रतिदिन के खान पान में मनुष्य द्वारा अनेक प्रकार के फलों का उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि सेब, केला, संतरा, अंगूर, अनानास, अमरूद, आम, लीची, जामुन इत्यादि। इन्हीं फलों का जूस निकालकर मार्केट में बेचकर अपनी कमाई करने को फ्रूट जूस प्रोडक्शन कहते हैं। मार्केट पोटेंशियल। इंडिया में फ्रूट जूस प्रोडक्शन बिजनेस तीव्र गति से उभरता हुआ बिजनेस है, क्योंकि पैकेजेस जूस में आसानी से हर जगह उपलब्ध है और उपयोग में लाए जाने वाला गुण समाहित होता है। एक आंकड़े के मुताबिक 2008 तक इंडिया की जूस इंडस्ट्री 21 से 14 करोड़ अमेरिकी डॉलर की हो चुकी है। फ्रेंड्स, हाँ, यदि उद्यमी किसी स्थानीय क्षेत्र में बिजनेस शुरू कर सकता है तो धीरे धीरे आगे की तरफ रुख करता है, जो बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है। हाउ टू स्टार्ट फ्रूट जूस बिजनेस प्रोडक्शन बिजनेस। क्योंकि फ्रूट जूस एक नियमित समाहित तक ही पैकेजेस करके रखा जा सकता है, इसलिए उद्यमी को सर्वप्रथम 3-4 ऐसे बाजारों का विश्लेषण करना चाहिए जो उसके द्वारा स्टार्ट की जाने वाली फैक्ट्री के नज़दीक हो। हालांकि यह स्थिति शुरू शुरू में नहीं होती। जब उद्यमी का प्रोडक्ट एक ब्रांड बन जाता है तब होलसेलर या रिटेलर प्रीमियम करने के तैयार हो जाते हैं। डिस्कवर और इसके कुछ मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ। जो ब्रांड को जूस अधिक बिकता है और उसमें फ्लेवर भी हिसाब से तय कर सकता है। डिस्कवर अ फ्लेवर बेस्ड ऑन रिसर्च। उद्यमी फ्रूट जूस प्रोडक्शन में जूस प्रोडक्शन FSSAI की गाइडलाइंस के मुताबिक ही होना चाहिए। गेट अ लोकेशन टू प्रोडक्शन। लोकेशन का चुनाव करते वक्त उद्यमी को विभिन्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास की लोकेशन में जूस प्रतिदिन कितना उपयोग में होगा। क्रिएट अ बिजनेस प्लान। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको प्लान बना लेना चाहिए कि खर्च एवं कमाई में कितना आपको इन्वेस्ट करना और कितनी आपको कमाई होगी। लाइसेंस और रजिस्टर फॉर यूज प्रोडक्शन। जूस प्रोडक्शन प्रोडक्ट स्टार्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए आपको लाइसेंस एवं टैक्स रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। परचेज रॉ मटेरियल्स एंड मशीनरी। अब मैं आपको बताऊंगी इसके लिए मशीनरी की कौन कौन सी आवश्यकता पड़ती है। जूस निकालने वाली मशीनरी, प्रेस्चुरीजर, जूस बनने वाले ढक्कन बंद करने वाली मशीन, जूस ठंडा करने वाली मशीन, ऑटोमेटिक बोतल इधर उधर भेजने वाली इकाई, लैब में काम करने के उपकरण, वॉशिंग इंस्पेक्शन, खाली बोतल, जूस बॉयलर, फिनिशर, प्रेस्ड चाय, चीनी एवं खाद्य रंग, विभिन्न प्रकार के फल। हायर मैन पावर। आपको इसके लिए मैन पावर के लिए आपको उद्यमी को एक प्लांट मैनेजर, एक टेक्निकल मैनेजर, दो सुपरवाइजर, एक इलेक्ट्रिशियन, एक पियर और एक ड्राइवर इत्यादि की आवश्यकता होती है। स्टार्ट प्रोडक्शन एंड सेल प्रोडक्ट इन मार्केट। फ्रूट जूस प्रोडक्शन बिजनेस करने के उद्यमी को ये बात समझ आना जरूरी है कि हर प्रकार का फल से जूस उत्पादन की प्रक्रिया हो, विभिन्न प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकते हैं। उसके बाद इन जूस को जूसर ट्रैक्ट मशीन में डालकर और जूस को छान लिया जाता है। उसके बाद जूस को कूलिंग मशीन में ठंडा करने के हेतु डाला जाता है। ठंडा होने के बाद पैकेजिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आपने जाना कि कैसे आप जूस प्रोडक्शन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आगे और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब